अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है जी मेरे घर में अफ्तार पार्टी, और मैं जी आज बहुत सारी चीज़ें मैंने बनानी है, और मैंने काम जो है वो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सबसे पहले मैं मीठा बना के रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसको ठंडा होना होता है। तो मीठे में मैं बना रही हूँ जी फ्रूट ट्राइफल, जो कि मेरे घर वालों को भी पसंद है, और जो मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोच सोच के मैंने एंड यही डिसीजन किया कि चलें आज फ्रूट ट्राइफल ही बनाते हैं। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 छोटी प्याली चीनी की डाल दी थी। बस वो वहाँ पे बॉयल होगा, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 4-4.5 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए हैं, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। वैसे तो दूध डालना चाहिए, लेकिन दूध मेरे पास ख़त्म हो चुका था, यही था जो मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसका जो कस्टर्ड का लिक्विड है वो डाल रही हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखती कस्टर्ड को थोड़ा सा फ्लोई में रखती हूँ, क्योंकि जब वो सेट होता है ना, तो वो फिर क्या होता है, टुकड़े टुकड़े सा होकर ना अलग सा होने लग जाता है। तो मैं उसको थोड़ा सा ना इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखती हूँ जिस तरह आप देख रहे हैं। बस ठंडा होगा तो थोड़ा सा ही गाढ़ा होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती मैं। तो जेली मैंने 3 तरह की पहले ही जमा के रख ली थी कि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए, क्योंकि साथ साथ वीडियो भी बन रही होती है तो काम मैं साथ साथ समेट लेती हूँ। अच्छा, ये आम बेकरी का केक है, जो कि सिंपल वाला केक है, फ्रूट वाला केक नहीं है। इसकी मैं स्लाइसेस कट कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैं ट्राइफल की लेयर लगाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप अपनी तरफ से उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पहले केक रखें, पहले आप कस्टर्ड रख लें फिर केक रख लें, तो ये हर किसी की मर्ज़ी होती है। और मेरे ख्याल में ट्राइफल तो तकरीबन सबको ही बनाना आता है, अगर अभी तक किसी ने नहीं बनाया तो वो ट्राई ज़रूर करें, बड़े मज़े की चीज़ होती है। अच्छा, मैंने केक बिछा लिया, उसके ऊपर कॉकटेल के अंदर जो सिरप होता है मैंने उससे थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया है। इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ, और बस इसी तरह से रिपीट कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ भी मुझसे एक गलती ये हो गई थी कि मैंने कस्टर्ड के अंदर कॉकटेल या किसी भी फ्रूट की लेयर नहीं लगाई थी। तो खैर, सोच सोच के मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो खैर मेरे पास थोड़ा सा कस्टर्ड बच गया था, तो मैंने उसमें बनाना और जो फ्रूट कॉकटेल है वो मैंने डाल के और उसको अलग से सेट कर लिया था कि दोनों मिक्स करके हो जाएंगे। वैसे भी एक बाउल में तो सारा आना ही नहीं था, तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख लिया, और ये मेरा एक काम हो गया जी, डन। अच्छा, दूसरी रेसिपी जो है मेरी है चिकन लॉलीपॉप, जो कि इतने मज़े के बने थे, मेरे मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, बोनलेस चिकन मैंने 1/2 kg ले लिया था, 3 मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, ब्राउन हो वाइट हो जो भी अवेलेबल हो, 1 मैंने एग डाल दिया, और 3 छोटे चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये चम्मच बहुत ही छोटा सा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 छोटे वही वाला चम्मच, आप समझ लें कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 छोटी मिर्च मैंने पिसी हुई डाली है, और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। ये थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था। 1 मैंने गाजर दरमियाने साइज़ की कट करके डाल दी है, ये जब चॉप करूँगी तो ये भी सारा मिक्स हो जाएगा। बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इन्ग्रीडियंट्स बहुत थोड़े हैं, लेकिन कमाल की ये रेसिपी बनी थी, मतलब वाह वाह हो गई थी सच में। अच्छा, इसको मैंने चॉप किया, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। अब मैं फिर से इसको चॉप कर रही हूँ, और ये हमारा जो चॉपिंग वाला काम है ना, ये डन हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ, जो कि क्योंकि मेरे पास बाज़ार वाले हैं तो सही, लेकिन वो कम पड़ेंगे, तो मैं उनको और ये जो फ्रेश वाले बना रही हूँ उनको मिक्स करके यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं चॉपर में फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ।
अच्छा जी, इसके लिए अब जो चीज़ें चाहिए, जो इसको शेप देने के लिए चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल कटोरी में रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी डाला और इसकी एक स्लरी से बना लूँगी और बस इसको शेप दे दूँगी। अच्छा, मैंने चीज़ ले ली है, देखें स्लाइसिस में इस तरह छोटे छोटे मतलब क्यूब्स की तरह से मैं काट लूँगी। और जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं ये आराम से किसी भी आपको स्टोर से मिल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हाथ पे ऑयल लगा रही हूँ, इस तरह से बड़ी परफेक्ट सी शेप आती है। और पहले इसको मैं सारा मतलब चिकन को सारा स्टिक्स पे लगा के रख लूँगी, उसके बाद मैंने इसको कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में डाला, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डाला और इसी ही प्रोसेस को मैं 2 बार रिपीट करूँगी। इससे इतने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं और बहुत ही मतलब मज़े के बन जाते हैं। मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ ऐसे नहीं, क्योंकि एंड तक बस इसी की ही तारीफ़ें होती रही थी। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, जिसके लिए मैंने ऑयल डाला 1/2 प्याली। इसके बाद मैंने इसमें बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके मतलब रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दी इसको ब्राउन होने के लिए, अगर ऑलरेडी ब्राउन हो तो वो भी ठीक है। अच्छा, चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जिसमें अच्छा सा कलर होता है वो डाला है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी की ऐड की है और 2 छोटे चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया के ऐड किए हैं, 1.5 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अच्छा, इसको मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट रख लें, लेकिन नहीं तो 1 से 2 घंटे ज़रूर रख लें। मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मेरा एकदम से इरादा बना कि मैं चिकन कोरमा बना लेती हूँ, क्योंकि शाजी भी थोड़ा बहुत कुछ बना के आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं सालन 1 ही बना लेती हूँ। अच्छा, प्याज मेरे यहाँ पे अच्छे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं तो मैंने उसी ऑयल में डाल दिया अपना मैरिनेटेड चिकन और इसको पकने रख दूँगी। अच्छा, मेरा ये होता है कि अगर चिकन बन रहा है, कढ़ाई बन रही है या कोरमा बन रहा है, उसमें चिकन का गलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दही का पानी जैसे ही ड्राई हुआ तो मैंने इसमें तकरीबन 4 टमाटर चॉप करके ब्लेंड करके वो भी ऐड कर दिए हैं। ये टिपिकल कोरमा नहीं है, ये मेरे स्टाइल का कोरमा है, मतलब इसमें कैशू नट भी अभी जाएंगे, ये डिफरेंट किस्म का है, क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है कोरमे की उसमें टमाटर नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन की हुई और तकरीबन 8-10 होंगे काजू, वो मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसी में ब्लेंड कर रही हूँ जिसमें मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे, उसको मैंने चिकन में ऐड कर दिया था। शायद मेरे से क्लिप जो है वो मिस हो गया है तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, उसको अच्छी तरह से भून लिया था क्योंकि प्याज जो है वो ब्राउन हुई हुई है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें देसी घी 2 से 3 चम्मच डाला, देसी घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका टेस्ट जो है ना मज़े का वो उसी से ही निकलेगा। फ्रेश मैंने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया 1 चम्मच और अब मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया है। बस इसको मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट ढक के पकाऊंगी और हमारा कोरमा हो गया जी रेडी। ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था, मतलब आप बनाएंगे ना तो इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोटैटो वॉन्टॉन और इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 से 3 पोटैटोज़ को मैंने बॉईल कर लिया था और चीज़ जो मेरे पास बच गई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च आपको पता है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। 1 चम्मच मैंने छोटा नमक का ऐड कर दिया है और 1 छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दी है। इसको मैं अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। अच्छा, पोटैटोज़ में मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था और ये मेरे पास रोल पट्टी मेरे पास पड़ी हुई थी और आप अक्सर पूछते हैं कि कहाँ से ली है, तो ये आम स्टोर से बेकरी से मिल जाती है। अच्छा, मैंने उसको 4 हिस्सों में काट लिया है, मुझे इस तरह के स्क्वायर से जो है ना वो शीट्स चाहिए वॉन्टन बनाने के लिए।
अच्छा जी, अब मैं इसको वॉन्टॉन को शेप दे रही हूँ, तो मैंने इसके बीच में जो पोटैटो का मिक्सचर है वो रखा। अच्छा, आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से मैंने लॉलीपॉप बनाया है रॉ चिकन जो था, आप उसको भी बीच में डाल के उससे भी आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको ट्रायंगल कर लिया था, उसके बाद इसकी पिछली वाली साइड जो है ना, वो मैंने जैसे हाथ बांधते हैं ना वैसे ही हाथ बांध के ना थोड़ा सा मैंने एक लगाया था, क्योंकि अच्छी सी इसको बाइंडिंग ज़रूरी है वरना खुल जाएंगी। अच्छा, ये जब फ्राई हो रही होती हैं तो ऐसे लगता है कि बोट्स फिर रही हैं ना, बड़ा मतलब बड़ी प्यारी सी इसकी मुझे शेप लगती है। इस तरह से मैं सारे वॉन्टॉन जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि मेरे पास ग्रीन जो बड़ी वाली मिर्ची है ना, वो मैंने आज फ्रेश फ्रेश मंगाई थी, तो जो पोटैटो का मिक्सचर बच गया था मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली, और ये भी एक रेसिपी मतलब रेडी हो गई। और मिर्चें जो है वैसे ही रखी हुई बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, खाने में तो अच्छी लगती हैं, रखी हुई बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब एक वो बढ़ जाती है ना, शान बढ़ जाती है दस्तरखान की, ख़ासतौर पर अफ्तारी के दस्तरखान की। अच्छा, यहाँ पे जो मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, ये मैं मैकरोनी बना रही हूँ। मैकरोनी की प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं दूँगी, क्योंकि ये सबको बनानी आती है, तो बस मैं यहाँ पे सिंपल वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। और मैकरोनी जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखी हुई है। अच्छा, मुझे कल जो है ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप किधर हैं, आप रोज़ जो है ना व्लॉग क्यों नहीं डालती हैं। अच्छा, यकीन करें मुझे इस तरह के कमेंट पढ़ के ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा कोई आप पे प्यार आता है, और मतलब मैं उसको कह रही होती हूँ मैं सदके, तो मैंने अगर मेरे पास फ़ोन होता है तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ कि मेरा व्लॉग इस दिन आएगा या इस टाइम आ जाएगा, तो मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह से इतना कंसर्न होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझसे प्यार करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस ये हमारी मैकरोनी भी यहाँ पे डन हो चुकी है, और मैं अब लास्ट में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने कहा कि अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि मेरी बैक का भी थोड़ा सा इशू है आपको पता है, तो बस मैं यहाँ पे बैठ के फ्रूट चाट रेडी करी थी। बस मैं अभी फ्री हुई हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, और अब हम बर्तन लगाने लगे हैं। खाना सारा मेरा रेडी हो चुका है, मेरा टारगेट था कि 5 बजे तक मैं रेडी हो जाऊँ, लेकिन हाँ 5 बजे तक ही मैं रेडी हो गई थी ना, हर चीज़ मेरी डन हो चुकी थी। अभी 5:30 है, और बस अब मैं खाना लगा रही हूँ, और मेहमान भी हमारे आने वाले होंगे। अब फ्राइंग है जो मैं 6 बजे स्टार्ट करूँगी, तो बस आधे पौने घंटे तक वो चलती रहेगी, क्योंकि मैं स्लो स्लो फिर फ्राइंग करूँगी पकौड़े समोसे वगैरह जो भी हैं। वॉन्टॉन मैंने बनाए हैं, मैं सुनी इसकी आवाज़ तो कम करो ना टीवी की, तो जो भी है ना रेसिपीज़ वॉन्टॉन की और चिकन लॉलीपॉप की, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो बस अभी हम लोग बर्तन लगा लेते हैं। अच्छा जी, मैंने नीचे डिस्पोजेबल दस्तरखान जो मिलता है और बड़ा ही सस्ता मिल जाता है, और यकीन करें लाइफ जो है ना आसान हो जाती है, इसको बस यूज़ करो, ये वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, इसको यूज़ करो फेंको, और मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो गई थी। मैंने कहा मैं इतना लंबा दस्तरखान मेरे पास था भी नहीं। और यहाँ पर जी मैंने अपना फेवरेट जो डिनर सेट है वो निकाला था आज, क्योंकि स्पेशल अफ्तारी थी, और अफ्तार के लिए तो वैसे भी स्पेशल करना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन यह कि अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं फ़ाइनल कर रही थी अपनी चीज़ों को, यहाँ पे मैं दही भल्ले जो हैं वो बना रही हूँ, और मैंने सिंपल बूंदी के बनाए, और मैंने चने इसमें नहीं डाले, क्योंकि चने मैंने फ्रूट चाट में डाले थे। और यहाँ पे जब मेरी फ्राइंग शुरू हो गई है और गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं, और बस साथ साथ गप्पे शप्पे भी हो रही थी और फ्राइंग भी हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि चिकन लॉलीपॉप को आपने बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करना है, इसको तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है।
अगर ज़्यादा हाई आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएगी, अंदर से बिल्कुल कच्ची होगी। तो मैं खैर सारी जो फ्राइंग होती हैं, रोल वगैरह हों, समोसे हों, उसको मैं स्लो, एक तो स्लो होती है ना, स्लो से मीडियम के दरमियान वाली जो आंच होती है ना उस पर मैं फ्राई करती हूँ। अच्छा यहाँ पे जी देखें, ऐसा लगता है कि पोर्ट्स जो है ना वो तैर रही हैं, और वहाँ पे वो भी फ्राई हो चुके थे, और यहाँ पे मैकरोनी जो है वो भी मैं निकाल रही हूँ अपने डोंगों में, और बस खाना लगाने लगी हूँ क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया था। चावल जड़ी मेन चीज है ना प्रसाद। जी देखिए ये शाजिया बाजी जो है ना हमारे लिए बिरयानी बना के आई है, छत्ता से तो बहुत सारी लग रही है। और यहाँ पे शाजी जो है वो बिरयानी बना के लाई थी, और यहाँ पे चिकन कढ़ाई बना के लाई थी, तो मैं अपने ही बर्तनों में उनको शिफ्ट करी थी, इसलिए मैंने आज राइस या मैंने कोई भी और सालन नहीं ऐड किया, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो चीज़ें मतलब हो गई थी काफ़ी, और वैसे भी रोज़े के साथ बहुत कम खाया जाता है, लेकिन यह है कि हम अपनी तरफ से तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दस्तरखान जो है वो बढ़ जाए, और वैसे भी बरकत बहुत पड़ जाती है माशाल्लाह से। और ये है जी फाइनल लुक हमारे दस्तरखान की, और इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, मतलब मैं खुद कह रही हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मेरा देख के मतलब दिल खुश हो रहा था। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने लगा दी हैं। बस ये साथ साथ में फ्राइंग भी मैं करती आ रही थी, और बस गेस्ट जब होते हैं तो मेरे से तो बिल्कुल बैठा नहीं जाता, मैं तो कभी किचन में कभी इधर कभी किचन में, सब कह रहे थे रोज़ा तो आराम से खोल लो आराम से खा पी तो लो, तो बस मुझे ज़ाहिर है चैन, ज़ाहिर है घर में मेहमान हो तो फिर कहाँ चैन आती है। तो बस यहाँ पे हमने खाना वगैरह सब ने खा लिया था, और बल्कि हमने दो शिफ्ट्स लगाई थी खाने की, एक तो अफ्तारी के टाइम ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा सब ने खाया था, उसके बाद सब ने फिर से एक शिफ्ट लगाई थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सारे समेट रही हूँ और बर्तन वगैरह अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डर था कि बर्तन कहीं इनसे टूट ना जाए सोनिया और हमारा से, तो मैं इसलिए आराम आराम से जो है ना उन चीज़ों को उठा रही थी। और दस्तरखान समेट के बैठे थे हम लोग। इनका है जी चैनल व्लॉग्स बाय बरीना, और आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी मेरे कहने पे, और अगर जो इनसे मोहब्बत करता है वो जरूर करेगा। बस अब इम्तिहान है फिर मोहब्बत का। ना करे ऐसे कह रही है। नहीं जी सीरियस हूँ मैं, सीरियस हूँ। अगर जो नादिया भाई से मोहब्बत करता है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और इनके वीडियो भी फुल वॉच करेगा, ठीक है।
लाजमी नहीं, नहीं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बात मानते हैं हाँ। नादिया बाजी के कुछ ज्यादा ही मानते हैं नहीं, नहीं भाई जरूर जाइएगा देखिएगा चैनल, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। हाँ इंशाल्लाह। है किस बारे में? मिक्स है, कुकिंग, मिक्स है, कुकिंग भी है और फैशन भी है। फैशन नजर आ ही रहे होंगे, फैशन भी है, सारा कुछ है, मिक्स है, मिक्स है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जरूर। और इन्होंने जी चैनल काफ़ी दिनों से बना रखा है, बस इसकी थोड़ा सा आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है शुरू शुरू में, ये तो मैं इस फेज से गुजरी हुई हूँ, लेकिन ज़ाहिर है व्यूअर्स की अपनी मर्ज़ी होती है, उनको बहुत ज़्यादा मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर है व्यूअर्स की अपनी मर्ज़ी होती है, कंटेंट पसंद आता है तो फिर आप जाते हैं सब्सक्राइब भी करते हैं। बहरहाल जी ये है किचन की अब लुक, और बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने कहा सोनिया रख दो फिर हम मिलके कर लेंगे। और गेस्ट जो हैं वो सारे जा चुके थे और रात का तकरीबन ये टाइम है 2 बजे का, तो मैंने कहा मैं पहले किचन को साफ़ कर लूँ और उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो सहरी होगी वो भी हम खा लेंगे। और ये जी फाइनल बर्तन मैंने कहा खुद मैं धोऊंगी क्योंकि सोनिया से एक भी चीज़ टूट गई ना मेरा सेट ख़राब हो जाएगा। मैंने अपना प्यारा सा डिनर सेट जो है ना खुद धोया है। तो जी अब चाहूँगी आपसे मैं इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।